थोड़ी लगे हंस दी तू हंस दी तू दी गुची खल दी मड़ोड़ा ने अब जिंदे तेनू वे। तो अभी आपने जो प्रीव्यू में वीडियो दिखाया दोस्तों, इस तरीके का वीडियो आप एकदम इसी इजीली तरीके से आप बना लोगे, एकदम सिंपल तरीके से मैं आज आप सबको समझाऊंगा। आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो, आप सब एकदम इजीली तरीके से सीख जाओगे इस तरीके का वीडियो एडिटिंग करना, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप अपने फोटो ऐड कर या फिर आप अपने किसी का भी फोटो ऐड कर कुछ इस तरीके से वीडियो बना सकते हो। सिंपली आप सबको इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, एलाइड मोशन ऐप का, जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का मतलब एलाइड मोशन ऐप है, जिनको नहीं है, इस तरीके के लाइट मोशन ऐप आप इसे ओपन कर लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में पिन कर दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहां पे प्रोजेक्ट्स पे आपको आ जाना है, यहां पे आपको बीट मार्क एंड इफेक्ट आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप बीट मार्क को फर्स्ट ओपन करिएगा, इन दोनों का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने लाइट मोशन में। अगर आप सबको इंपोर्ट करना नहीं आता तो आप सब कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, लिरिक्स का कोई झंझट नहीं लेना, लिरिक्स मैंने पहले से बना कर रखा हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट आप सबको दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में, ये फ़ॉन्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये फ़ॉन्ट मैं आप सबको दे दूंगा। सो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, आप सबको यहाँ पे आ जाना है, डबल बीट मार्क आप सबको दिखेगा, यहाँ पे आ जाके आपको फोटो ऐड करना है। ओके, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एक फोटो ऐड कर लेना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके इसे जूम थोड़ा कर लीजिएगा ताकि फोटो इधर उधर हिलने से भी दिक्कत ना बने। और दोस्तों आप सबने नोटिस किया होगा, फर्स्ट जो प्रीव्यू में वीडियो में दिखाया है वहाँ पे मैंने एक ट्रेंडिंग का जो पीएनजी लगाया था उसमें भी जो है सेम टू सेम फोटो के जैसा इफेक्ट मैंने लगाया था। कैसे लगाया था वो भी मैं आप सबको बताऊंगा, आप सब एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों फोटो में ना कि पीएनजी पहले से ऐड है, आप सबको फोटो पीएनजी अलग से ऐड करके उसमें भी सेम टू सेम इफेक्ट लगाना आप सबको सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आपने फोटो ऐड कर दिया, पूरे लास्ट तक चल जाइएगा। फोटो अगर आप सबको चाहिए फोटो तो ये मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप इसे नीचे कर दीजिएगा इन दोनों लेयर के नीचे कुछ इस तरीके से। ओके, आपका अभी लगेगा। तो यहाँ पे इतना होने के बाद एक बार आप सिंपली यहाँ से बैक चले जाओगे, बैक चले जाने के बाद आपको एक इफेक्ट में प्रोजेक्ट दिया रहूँगा, यहाँ पे आ जाना होगा, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट्स आपको कॉपी कर लेना सारे के सारे, बीट मार्क में आ जाइएगा, फिर आप सबको यहाँ पे अभी ये इफेक्ट पेस्ट नहीं करना, आप सबने इफेक्ट जैसे ही कॉपी किया अभी पेस्ट नहीं करना है, आप सबको ये ध्यान में रखना, आप इफेक्ट मत पेस्ट कीजिएगा। आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा, और एक जो है ये पीएनजी रहेगा, ये पीएनजी मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे भी ऐड कर लीजिएगा और इसे रेड लाइन के थ्रू कुछ इस प्रकार से आप सेट कर लीजिएगा। देख सकते हो मैं और थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा। फिर इसका भी लेयर आपको एकदम लास्ट तक कर देना है, उसके बाद आपको इसे यहीं पर रहने देना है। फिर आप सबको जो अभी आपने इफेक्ट कॉपी किया था उसको आपको ये जो पीएनजी है उसमें आपको इफेक्ट सबसे फर्स्ट पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने इसमें इफेक्ट पेस्ट कर दिया, फिर आप सबको क्या करना होगा, सिंपली एक बार आप बैक हो जाइएगा, फिर फोटो पे भी इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। तो फोटो पे भी और उसमें भी आपका इफेक्ट लग गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फीड इन एंड फीड आउट का भी मैंने इफेक्ट दिया हूँ, और बाकी इफेक्ट मैं कैसे बनाए वो भी आप सबको समझा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिरिक्स लिखा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे इफेक्ट बना के ऐड किया हूँ। अगर आप सबको ये इफेक्ट बनाना नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, आप सब कमेंट करना। और दोस्तों यहाँ पर रही बात ये रेक्टेंगल दो मैंने यूज़ किया, इसमें भी मैंने इफेक्ट का यूज किया हूं, ब्लिंक का देख सकते हो, और उसके बाद यहां पे मैं ये रेक्टेंगल का यूज किया हूं, जो कि मैं कलर एंड फिल में गया जाके इससे मैं कुछ इस तरीके से इरेज किया हूं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप भी वीडियो इफेक्ट बना सकते हो अपने हिसाब से, नहीं तो मैं ये इफेक्ट दिया रहूंगा, आप इसमें इफेक्ट आप डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।